Hello everyone, I'm Dr. Chetna Joshi and here I'm back with yet another video which is on adverse effects of tobacco. So tobacco, what all does tobacco contains? Tobacco has nicotine. Nicotine hi wo padarth hai jo ki anya tarike ki muh se related bimariyan cause karne mein help karta hai. Yani oral cancer ke bare mein main bata rahi hu aaj. Ab janiye ki oral cancer se jude kya lakshan hai. Initial symptoms, that is precancerous lesion bolte hain hum, matlab cancer hone ke pehle ke lakshan. Ye lakshan isliye important hai ताकि अगर इस स्टेज में आप अपने डेंटिस्ट या ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन या ओरल मैक्सिलोफेशियल रेडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आपको ये हेल्प कर सकते हैं क्योर करने में. अब पहला सिम्टम्स क्या है? आप तबाको लेते हैं या किसी भी फॉर्म में, गुटका या आप स्मोकिंग करते हैं तो किसी भी फॉर्म में जाइए, अल्टीमेटली इन सब में तंबाकू होता है. तंबाकू में क्या होता है सर? निकोटीन होता है. तो ये सब चेंजेस कॉज करता है. सो पहला साइन जो कॉमनली देखा गया है ये है अनहीलिंग अल्सर्स, यानी नॉन हीलिंग अल्सर्स, यानी मुंह में छाले जो कि ठीक ही ना हो और बार बार इन छालों का अलग अलग जगह में आना. दूसरा है मुंह में जलन होना. तीसरा है मुंह का जकड़ना, मतलब आपको खिंचाव महसूस होगा. फिर धीरे धीरे आपका मुंह कम खुलने लगेगा. फिर आता है मुंह में सफेद या ग्रे कलर के चट्टे आना. तो ये सब साइंस हैं. जैसे ही आपको लगता है आपको ये सब सिम्टम्स आ गए हैं, आपको अपने डेंटिस्ट को ज़रूर मशवरा लेना चाहिए, उनको कंसल्ट करना चाहिए और अपनी आदत, अपनी लत के बारे में ज़रूर बताना चाहिए. क्योंकि अक्सर देखा गया है ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, ये सब चीज़ हो जाता है तब भी वह छुपा रहे होते हैं कि हम बस एक ही बार लेते हैं, हमने आज ही शुरू किया है, हम आज के बाद नहीं करेंगे. पर ये सब चीज़ें आप अपने डॉक्टर्स से बिल्कुल ना छुपाएं और सही समय में जाएं ताकि आप ओरल कैंसर से बच सके. नहीं तो अगर आप सही टाइम पे नहीं जाएंगे आपको ओरल कैंसर का सामना करना ही पड़ेगा. अब ये थे कुछ सिम्टम्स जो कि कैंसर से पहले होते हैं. अब ये तो जब आपने तंबाकू खा लिया फिर हुए, पर अब ऐसी चीज़ मैं टिप्स देना चाहूँगी कि जिससे आप तंबाकू खाना या तंबाकू च्यू करते हैं तो आप उसको छोड़ सकते हैं. अब कैसे छोड़ें ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है. हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स को बताते हैं तो पहली चीज़ लोग बोलते हैं हमारे पास पेशेंट्स कि डॉक्टर साहब अब तो ठीक है, अब लत लग गई, अब छोड़े कैसे, छूटती ही नहीं है. हम ड्राइवर हैं, हमें 5-6 बार खाना ही पड़ता है ताकि हमें नींद खुली रहे. ठीक है, आपको मुँह में कुछ चाहिए, आप पहली चीज़ ये ध्यान रखें आप किस कंपनी में जा रहे हैं, आपकी संगत कैसी है. अगर आपकी संगति में भी तंबाकू खाने वाले लोग हैं तो आप प्लीज़ उनके साथ जाना कम कर दें. एकदम से जाना बंद नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है बीइंग इन अ सोशल सर्कल, ये बहुत मुश्किल होगा. पर हाँ, आप अगर दिन में 3 बार जाते हैं या 2 बार जाते हैं तो आप 1 बार जाइए. ये है संगति को आप ध्यान रखें. दूसरी चीज़ है आपका पाउच होगा जिसमें तंबाकू या गुटखा कुछ भी आता होगा, उस पाउच से सारा गुटखा तंबाकू जो भी है आप खाली करिए. यानी कि तंबाकू का पैकेट लेना है उसको खाली करना है. अब खाली क्यों करना है? क्योंकि उसमें हम कुछ और चीज़ भरेंगे. यानी वो चीज़ें क्या होंगी? ये होंगी सौंफ हो गया, या सौंफ ले सकते हैं अगर सौंफ का टेस्ट नहीं पसंद, अजवाइन ले लीजिए, अजवाइन भी नहीं पसंद मुलेठी ले लीजिए. अब इसको रोल करके अपने पॉकेट में रखिए. अब आप कहीं भी जाएंगे या आप ड्राइवर हैं, आप कुछ ऐसा काम करते हैं आपको जगा के रखना है, तो आपको जब जब तलब लग रही है आपको तंबाकू चबाने की, खाने की, तो आप उसमें से जो पैकेट में आपने सौंफ मुलेठी या अजवाइन भरी थी आप उस पैकेट को निकालिए और आप उसी तरीके से खाइए. आप बहुत लोग रगड़ के खाते हैं तो आप वो चीज़ खाएं. आपको 3-4 है तो आप मुलेठी खाएं. ठीक है, आपने ये फर्स्ट चीज़ हो गई, आपने कंपनी छोड़ी. सेकेंड है आपने पैकेट खाली करके अल्टरनेट आइटम्स आपने भरे. थर्ड क्या करना है? आपको अपनी फ्रीक्वेंसी में ध्यान देना है. अगर आप दिन में 5 बार लेते हैं आप 3 बार करिए, फिर धीरे 2 बार करिए और फिर धीरे धीरे 1 बार करिए. इसके बाद आपको कम करना है. हाँ, और एक बात और, अपनी फैमिली में आप किसी को बता के रखिए ताकि आप छोड़ें. क्योंकि क्या होता है, सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है हमारी फैमिली मेंबर्स से, ताकि वो भी आपको हेल्प कर सकें और बार बार रिमाइंड करा सकें. तो प्लीज़ अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर करिए सबसे, अपने फ्रेंड्स या क्लोज जो आपके अच्छा चाहते हैं वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे. सी, ये सब चीज़ें हैं. सो प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग, चेंज स्टार्ट्स
from you. See, instead of being a chain smoker or a chain gutka chewer, be a change maker. So, if you like my video, please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, which is Do Daat. Thank you and have a good day.